अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सानिया शाह मोहम्मद शेख डिजिटल क्लासेस की स्टूडेंट 9 की हूँ। मुझे एक एक्टिविटी मिली थी, वो ये थी कि मुझे अपने टीचर का इंटरव्यू फ़ोन पर लेना था। आइए देखते हैं कि वो इंटरव्यू कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सानिया डिजिटल क्लासेस की तरफ से आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। हाँ, आपको इजाजत है। टीचर प्लीज टेल मी योर कंप्लीट नेम। माय कंप्लीट नेम इज अंसारी निकहत। ओके, विच क्वालिटी डू यू लाइक बेस्ट इन योर स्टूडेंट्स? देर आर सेवरल क्वालिटीज दैट शुड बी इन अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट में बहुत सारी क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन इज अ मस्ट। ठीक है, ओके। फिर सेकेंड क्वालिटी पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल होना चाहिए। टाइम इज मनी है ना, वक्त बहुत कीमती चीज है, तो उसे वेस्ट नहीं करना है, पंक्चुअल होना चाहिए। थर्ड है कि स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होगा तो फिर हिचकिचाहट नहीं होगी कोई भी काम करने में। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी चीज के ताल्लुक से। अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के ताल्लुक से रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, है ना, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये सब क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट में होना चाहिए। इसके अलावा भी है बहुत सारी, हार्ड वर्किंग हो, स्टूडेंट शुड बी कोऑपरेटिव, है ना, उसमें इल्म की प्यास हो, नॉलेज सीकर होना चाहिए, नॉलेज तलाश करने वाला, गुड मैनर्स होना चाहिए। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गुड क्वालिटीज हैं जो स्टूडेंट में होना चाहिए। थैंक यू टीचर। वेलकम टीचर। प्लीज टेल अबाउट योर फेवरेट ऑथर। फेवरेट ऑथर, हाँ देखो, अगर देखा जाए तो अभी तो ऐसा कोई फेवरेट ऑथर नहीं है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू रीड द बुक्स व्हिच वर फुल ऑफ ह्यूमर्स। समझ में आता है, मतलब मजाहिया जो वो बोलते हैं ना, मजाहिया मजामिन मुझे बहुत पसंद आते थे जब मैं कॉलेज में थी। और मजाहिया मजामिन कैसे होते हैं ना, कि उसमें समाज की बुराइयों को तंज किया जाता है मजाहिया अंदाज में। तो ऐसे हल्के फुल्के मजामिन जो मजाहिया हो, दिलचस्प हो, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो आई यूज टू रीड मुश्तबा हुसैन बुक और समटाइम्स आई रीड पितरस बुखारी। ये सब ऑथर्स के नाम है, मुश्तबा हुसैन, पितरस बुखारी। तो ये सब जो ऑथर के मैं पढ़ा करती थी कॉलेज के दौर में, अच्छे लगते थे इनके मुझे मजामिन। ठीक है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट? अगर सच बोलूं, टू बी फ्रैंक, तो अभी तो कोई ऐसी बुक मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत 2-3 सालों से जो है ना, मैं थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल रही हूँ ये कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अभी रमजान है चलो तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं कुरान की तफसीर पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि 2-3 सालों से मैं पढ़ रही हूँ ये। और इसके अलावा तो मैं अभी कोई बुक नहीं पढ़ रही हूँ, तो ऐसा मैं कहूंगी कि हाँ ये मेरी फेवरेट बुक है फिर। और वी शुड ऑल टेक आउट सम टाइम फॉर रीडिंग, माशाल्लाह, मुताले के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। और वो तफसीर जो है ना, जो मैं पढ़ रही हूँ, वो तफसीर इब्ने कसीर है। थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, बस दुआ है कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। Who was your favorite teacher in school or college? This is very tough question. I think there was many teachers during my student life, my college life, who inspired me a lot. लेकिन अगर if I have to choose one, अगर किसी एक का नाम मुझे लेना पड़े, तो I will definitely tell about my Zakia Miss. She was my class teacher जब मैं 7th में थी, फिर मैं जब 8th में आई तब भी मेरी क्लास टीचर थी वो। तो यही वजह है कि शायद वो 2 साल तक मेरी टीचर रही, तो हमें ज़्यादा याद है उनके बारे में आज तक, उनके बोलने का अंदाज, उनके समझाने का अंदाज, उनका टीचिंग स्टाइल, सब कुछ, एवरीथिंग वाज फैबुलस।
और हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम जब उनके पास ले जाते तो वो उनको सॉल्व करती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका गेस्चर्स, यानी सब आगे कुछ टीचर। बड़ा अच्छा था उनका। हाँ, बड़े बच्चों से भी बहुत मोहब्बत थी, सबसे बड़ी बात तो ये उनकी। तो मैं आज भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ। मैं जब पढ़ाती हूँ स्कूल में तो आई यूज टू आप कॉपी बेस्ट टीचर हो। हर। ओ थैंक यू सानिया। लेकिन मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ, शायद उनकी तरह नहीं बनी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उनकी तरह बनूँ। ठीक है। थैंक्स टीचर। दैट लास्ट वन, प्लीज टेल अबाउट यू लाइक अस टू फोकस स्टैंडर्ड 9। दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेम एज क्वेश्चन यू हैड मी फर्स्ट, यू हैड आस्क्ड मी फर्स्ट, जो आपने मुझे पहले पूछा ना, सबसे पहला क्वेश्चन के विच क्वालिटीज वुड यू लाइक टू सी इन अ स्टूडेंट, है ना। तो दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा मिलता जुलता आंसर होगा क्योंकि अब आप लोग 9th में चले गए हो, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ 9th यू शुड क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिकॉज क्योंकि अभी जो है ना, आप लोग ऐसे दौर पे हो, आप नई स्कूल में जा रहे हो, है ना। यू ऑल आर इन न्यू स्कूल, न्यू टीचर्स मिलेंगे, वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनेंगे आपके, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी। सेकेंडली यू हैव टू बी पंक्चुअल इन योर लाइफ। सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी के लिए क्या करना है, आप एक टाइम टेबल बना लो आपकी स्टडी के लिए, है ना। जिंदगी के बहुत ही अहम दौर से गुजर रहे हो, तो पूरे दिन का शेड्यूल आप लोग बना लो। कब, व्हेन यू विल गेट अप, व्हेन यू विल टेक ब्रेकफास्ट, हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड फॉर योर होमवर्क, यानी होमवर्क के लिए कितना वक्त देना है आपको, दोपहर का खाना, शाम में क्या एक्टिविटीज होंगी, घर के कामों में फिर अम्मी की भी मदद करना है, स्टडीज के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकालो। तो इस तरह दिन भर का शेड्यूल जो है, वैसा आप एक टाइम टेबल तैयार करो और उस टाइम टेबल के मुताबिक करो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन मोबाइल एंड अपडेटिंग मोबाइल स्टेटस एंड वीडियोस। बहुत सारे बच्चे मोबाइल में लग के, मोबाइल के पीछे वीडियोस देख देख, मोबाइल में वीडियोस देख देख कर स्टेटस अपडेट करके टाइम वेस्ट करते हैं अपना। तो ये सब वक्त का जिया है, वक्त जाया कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। हमें अपना ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। ये 2-3 साल ऐसे है ना कि बस ये आप लोगों ने कर लिया तो फिर आप, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। तीसरी जो चीज है, 9th के एज अ 9th स्टूडेंट, तो तीसरी चीज नॉलेज सीकर बनो। इल्म की तलाश होनी चाहिए आप में, इल्म की तलाश करने की प्यास होनी चाहिए आप में। तो जो चीजें समझ में नहीं आ रही हो, टीचर से पूछो, आपके पास तो मोबाइल है, गूगल करो उसको, हाँ टीचर। है ना। मालूमात हमारे जमाने में क्या होता था, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो मोबाइल, ये सब टच स्क्रीन और ये इंटरनेट वगैरह इतने आम नहीं हुए थे, इतने आम क्या थे ही नहीं जब भी। तो हम लोग क्या करते थे, लाइब्रेरीज में जाते थे और वहां से जो भी हमें मालूमात लेनी थी, वहां पे जाकर वो बुक तलाश करके वहां से मालूमात हासिल करते। लेकिन आजकल तो सबसे आसान जरिया है मोबाइल, कोई भी मालूमात हम इसमें से इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबों का मुताला करो, ठीक है, नॉलेज सीकर बनो। और फोर्थ है, हैविंग सीरियसनेस, यानी पढ़ाई के तई संजीदगी दिखाओ, संजीदा हो जाओ अभी से। बस ये सोच लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही सोच कर चलो। हाँ, आपके दिन बहुत सुनहरे दिन है, तो सो यू ऑल शुड हैव सीरियसनेस फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर फ्यूचर्स। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे और आप लोगों को मुस्तकबिल रोशन। टीचर, आप हमारी क्लास के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? कौन सी क्लास, मतलब जो आप अभी मेरे पास डिजिटल है, डिजिटल क्लासेस के बारे में? हाँ, ये बहुत एक वंडरफुल एक आइडिया था जो सबा टीचर ने मुझसे शेयर किया था, जब उन्होंने शुरू नहीं किया था, उन्होंने शेयर किया था कि ऐसा कुछ वो शुरू करने वाली हैं। तो मुझे वाकई में उस वक्त भी बहुत अच्छा लगा कि सच में ऐसे कुछ क्लासेस की जरूरत है गोवंडी में और खासतौर पर शिवाजी नगर में, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी क्लासेस ऐसे ही है नॉर्मली, जैसे टीचर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बच्चे समझते हैं, होमवर्क करते हैं, रेगुलर जैसे हमारी आम पढ़ाई होती है वैसे ही पढ़ाई अब तक के हो रही थी। लेकिन ये इस तरह के तर्ज का पहली क्लासेस मैं देख रही हूँ जहाँ पर डिजिटल तरीके से, यानी कि नए तरीके से, नए जदीद तकनीकी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और हाँ टीचर, सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं बल्कि दूसरी भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं,
यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, हमारा जो है तरक्की पर ध्यान दिया जा रहा है बच्चों के, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम, बहुत बहुत अच्छी क्लासेस है और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ पर। उनके आप लोगों के वीडियोस जो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं तो वो भी मैं देखती हूँ, और देख के बड़ी खुशी होती है कि बच्चे बच्चे ये सब कर रहे हैं खुद से, और इसका सहरा, इसका जो क्रेडिट है, द क्रेडिट गोज टू मिस सबा डेफिनेटली। और बस अल्लाह से दुआ है कि उनकी ये तरक्की, उनकी ये कोशिश जो है वो कबूल हो, अल्लाह ताला उन्हें मजीद तरक्की दे, और बच्चों के लिए ऐसे काम वो आइंदा भी करते जाएं। मुझसे हम मुझसे भी अगर कोई मदद या जो भी है, अगर मुझसे भी बन पड़ा तो मैं जरूर उनकी हेल्प करूंगी। और बस यही है कि बहुत अच्छा काम वो कर रही है माशाल्लाह, सबको तरजीह मिल रही है, सब आपने इंस्पायर हो रहे हैं। आमीन। अपना कीमती वक्त दिए, इतने इंशाल्लाह आपकी नसीहत और बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे टीचर से काफी देर तक बात भी हो गई, मेरे टीचर से काफी चीजें सीखने के लिए मिली। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आइए हमारे साथ डिजिटल क्लासेस में नए नए एक्टिविटीज को एंजॉय कीजिए।